आज हम खड़े हैं मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा वेरिएंट के सामने और आज इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है जो कि 1199 सीसी का फोर सिलेंडर में ये मिल जाता है। 88.50 bhp का पावर जनरेट करती है और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। एक SUV सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया गाड़ी आज हम देखने जा रहे हैं, मारुति फ्रॉन्क्स। तो दोस्तों ऑलमोस्ट गाड़ी का लुक बहुत ही प्यारा है, प्रीमियम है और ये है बेस मॉडल। भाई बेस मॉडल में ही फ्रंट में गाड़ी को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई आपको टर्न इंडिकेटर, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे कि ये सेकंड बेस मॉडल है और इसमें देखिए आपको ऊपर की तरफ टर्न इंडिकेटर DRL मिल जाते हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हाइलोजन हेडलैम्प जो कि ये आप नीचे देख पा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं लगता कि ये बेस मॉडल है फ्रंट से देखने में, पर बात करें इससे ऊपर वेरिएंट में तो वहाँ पे थोड़ा सा और ग्रिल वगैरह मिल जाती हैं, आपके बम्पर की जो जाली हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, क्रोम मिल जाते हैं। बाकी आप खुद यहाँ पर देखिए कि गाड़ी में जो है अच्छी खासी लाइट्स जो हैं दी गई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक क्रोम मिल जाता है जो कि ऊपर की तरफ लगा है और इससे अपर वेरिएंट में देखेंगे तो वो थोड़ा और प्रीमियम होता है। बाकी काफ़ी अच्छा लुक जो है इसमें दिया गया है जो कि आप इस वेरिएंट में पा सकते हैं, सिग्मा वेरिएंट, मारुति फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट, जिसका प्राइस की बात करें तो 8 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ जाती है, 8 लाख। बाकी आप डिस्काउंट वगैरह में देखेंगे तो 8 लाख तक में आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो 8 साढ़े 8 रेट बताएंगे, 8 तक में आपको मिल जाएगी। बाकी फ्रंट में आप देख सकते हैं बैपर्स और मिल जाते हैं। यहाँ पे टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टील वाले रिम्स मिल जाते हैं, 16 इंच के टायर इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो कि यहाँ बॉडी में लगा है और यहाँ पे मिरर में कोई भी LED DRL नहीं मिलती, तो थोड़ा सा बेस बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा ये चीज़ मुझे। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको इसमें जैसे गेट को हमने ओपन किया तो सीट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट्स मिल जाती हैं। पीछे की ओर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लुक, और ये लाइट्स की बात करें तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं जो सेफ है, बहुत ही अच्छा लुक जो है लाइट्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ऐसा जो टॉप मॉडल में पीछे मिलता है भाई वो इसमें भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फ्रॉन्क्स का ये जो वेरिएंट है काफ़ी लुक वाइज अच्छा है और इसके नीचे देखेंगे तो पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं 4 जो कि नीचे आपको देख रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट के ऑप्शंस हैं और 2 लाइट्स लगी हैं, गाड़ी को लॉक करने का ऑप्शन यहाँ नीचे आपको मिल जाता है। तो इसे जैसा हम ओपन करते हैं तो बूट की बात करें तो इसमें जो बूट है वो 308 लीटर का बूट पीछे की तरफ मिल जाता है। तो एक मिनट मैं पहले बूट को ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं बूट ओपन करके दिखा दूं कि कितना जगह जो है इसमें मिलता है। ये देखिए पीछे की तरफ जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो पीछे की तरफ हमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा सामान वगैरह जो है कैरी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर गाड़ी में यहाँ पर हम इसे कर देते हैं क्लोज़ तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है यार, अच्छा बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पकड़ के इसे क्लोज़, और तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई इसको बंद करने में। बाकी आप देख रहे हैं भाई पीछे से लुक जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बैक वाइपर वगैरह नहीं मिलते। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि एक टॉप मॉडल का फीचर है। रूफ रेल आपको इसमें मिल जाती है जो कि यहाँ ऊपर आपको दी गई है। तो एक क्रॉस SUV बहुत अच्छी फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाती है। चलिए अंदर की तरफ देखेंगे तो गेट में आपको यहाँ पे जो है आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना, चारों पावर गेट मिल जाते हैं और एक बटन आपको ऑटोमेटिक का मिल जाता है फ्रंट ड्राइवर सीट का। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे डाउन कर रहे हैं, बाकी इसके साथ गाड़ी अनलॉक लॉक करने का ऑप्शन है, चाइल्ड लॉक का बटन मिल जाता है डोर में ही, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको हैंडल क्रोम मिल जाते हैं, डोर ओपनर, AC के वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिसमें आपको अच्छी फिनिश मिल जाएगी, एक लुक अच्छा मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो आपके कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी आप बताइए यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में यहाँ पे आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल नहीं मिलता, बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिलता है भाई। ये देखिए
ये एक टॉप मॉडल का फीचर इसमें डाल दिया है तो बहुत भद्दा लग रहा है ना। लेकिन ठीक है, इस वेरिएंट में इन्होंने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया तो अच्छा है। फिफ्थ मैनुअल ट्रांसमिशन गियर मिल जाते हैं, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मोबाइल रखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल नहीं है इसमें, वाइपर के कंट्रोल, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं तो ठीक है। और भाई अगर आप इसमें चाहें तो म्यूजिक सिस्टम अलग से लगवा सकते हैं, इसमें म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन नहीं आता है तो आप अपना अलग से टच स्क्रीन 10 से 15-20 हज़ार खर्च के लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप फ्रंट में देख पा रहे हैं, USB टाइप का चार्जर। और यहाँ पे आप जो है अगर गाड़ी को स्टार्ट करें तो ये देखिए हमने गाड़ी को जो है स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आपको ये वाला वेरिएंट मारुति का, फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट। और अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर आप इसे 8 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं जो कि ऑन रोड प्राइस 8-8.5 लाख में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं, तो ये एक बेस मॉडल है जिसे आप एक अच्छा फीचर डाल के यानी कि टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर वगैरह लगा के आप इसे टॉप बनवा सकते हैं। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि इन्होंने दे दिया है। बाकी आप यहाँ पे बैक में देख सकते हैं, फ्रंट बैक से गाड़ी कुछ इस तरह से लुक जो है आता है। और पीछे की तरफ कोई यहाँ पे एसी नहीं मिलती, एक चार्जर का ऑप्शन मिलता है, रियर में एसी नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे लेदर सीट्स, सीट आपको यहाँ पे जो है फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वेरिएंट कमेंट में बताइएगा। और कौन सी आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं उसको भी कमेंट में बताइएगा, कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। मारुति फ्रॉन्क्स के साथ फिर मिलेंगे हम नई एक गाड़ी के साथ, धन्यवाद।